नमस्कार, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के स्पोर्ट्स अड्डा में और मैं सूरज शुक्ला एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं बात करने के लिए पीकेएल यानी कि प्रो कबड्डी लीग के बारे में। जैसा कि हम पहले भी आपसे बात करते हैं, प्रो कबड्डी लीग के सारे मैचेस को कवर करते आए हैं और साथ ही में इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज को भी हम पूरा कवर कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको ये कवरेज पसंद आ रही हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। अब बात करते हैं पीकेएल के कल के मुकाबले के बारे में, जहां पे यूपी योद्धा वर्सेस तमिल थलाईवास देखने को मिला था। और अगर आप इस मुकाबले के स्टैट्स को देखें तो यूपी योद्धा ने 33 पॉइंट से इस मुकाबले को ख़त्म किया है और तमिल थलाईवास ने 39 पॉइंट से इस मुकाबले को ख़त्म किया है। और अगर हम यूपी योद्धा की बात करें तो यूपी योद्धा में यही देखने को मिल रहा है कि इन्होंने 6 मुकाबले अभी तक खेले हैं जिसमें सिर्फ एक ही मुकाबला यूपी योद्धा जीत पाई है और इसका कारण है प्रदीप नरवाल जो कि बहुत ही महंगे खिलाड़ी यूपी योद्धा में हैं। इस टाइम पे बहुत ही महंगे उनको खरीदा गया था, 1,65,00,000 में वो बिके थे ऑक्शन में। और उनका प्रदर्शन अगर आप देख लें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन है इस साल, एक भी रेड उनकी अच्छी नहीं हो पा रही है, किसी भी तरीके से वो न रेड अच्छा कर पा रहे हैं न डिफेंड। अगर आप जो हम पहले बात करते थे कि प्रदीप नरवाल ऐसे खिलाड़ी हैं जो रेड भी कर लेते हैं डिफेंड भी कर लेते हैं, दोनों चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन वो भी वो किसी भी तरीके से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा उनका नहीं दिख रहा है। और अगर हम टीम एफर्ट की भी बात करें तो टीम एफर्ट भी जो यूपी योद्धा का है बहुत ही खास नहीं है, क्योंकि एक ही खिलाड़ी जो उनका है, एक ही दो खिलाड़ी हैं जो आगे आके कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने की, बाकी सारे खिलाड़ी एकदम पस्त दिख रहे हैं, कुछ भी अलग से उनमें नहीं दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि कल तमिल थलाईवास ने जो यूपी योद्धा है उनको बार बार हराया। हालांकि 33 पॉइंट्स तक यूपी योद्धा पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी तमिल थलाईवास ने वो मुकाबला मैं कहूँगा कि बहुत ही आसानी से अपनी तरफ खींच लिया। साथ ही में अगर हम बात करें तो तमिल थलाईवास का जो टीम एफर्ट दिखा है बहुत ही शानदार दिखा है, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, मतलब पूरा टीम एफर्ट दिख रहा था, हर खिलाड़ी अपने तरीके से कोशिश कर रहा था, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि जो उन्होंने कल यूपी योद्धा को बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि हरा दिया, बड़ी आसानी से उनकी पूरी टीम को खारिज कर दिया एक तरीके से, मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि कोई बहुत ही धुआंधार मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अगर आगे हम बात करें तो प्रदीप नरवाल की जो लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत सारे जो पटना पायरेट्स के फैन हैं वो ये बोल रहे हैं कि पटना पायरेट्स ने अच्छा हुआ प्रदीप नरवाल को छोड़ दिया, वो अपने मोनू गोया जिनको खरीदा है उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन ये अगर इस पर मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि प्रदीप नरवाल पे कहीं ना कहीं जो रेट टैग है उसका भी प्रेशर आ चुका है, क्योंकि 1,65,00,000 बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और कई बार हम देखते हैं जैसे कि आईपीएल में हम देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग जो होती है क्रिकेट की उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन पे रेट टैग का प्रेशर आ जाता है। अगर आप देखिए मैक्सवेल, जिन्होंने लास्ट सीजन में जब उनको पंजाब ने लिया था तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट उनको लिया गया था, लेकिन वो उस सीज़न एक भी बाउंड्री मारने में सफल नहीं हुए थे, बाउंड्री मतलब कि एक भी सिक्स उन्होंने नहीं लगाया था और चौके भी बस गिने चुने ही लगाए थे। तो वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये रेड टैग का प्रेशर है, तो यही मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल में भी रेड टैग का प्रेशर आ गया है, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, तकरीबन 1200 रेड पॉइंट्स उन्होंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ये सीज़न उनका बहुत ही ज़्यादा खराब जा रहा है। तो आइए एक बार जाते जाते पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने कल कैसा प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात करेंगे यूपी योद्धा की, यूपी योद्धा में सबसे पहले हम देखेंगे प्रदीप नरवाल जो हैं वो किस तरीके से, उनको 6 पॉइंट से मिले हैं, कुछ उन्होंने कोशिश करी लेकिन कुछ बहुत ही अच्छा नहीं कर पाए। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आशु सिंह हैं, आशु सिंह को मिले हैं 2 पॉइंट्स, साथ ही में शुभम हैं, शुभम को 4 पॉइंट्स मिले हैं, अंकित रेडर को 3 पॉइंट्स मिले हैं भले ही, लेकिन उन्होंने कोशिश, कल का मैच अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कोशिश बहुत ही अच्छी करी, जिस तरीके से वो बार बार रेड करने की कोशिश कर रहे थे और जो टैकल कर रहे थे, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को वो इनपुट देते हुए नजर आ रहे थे टीम की तरफ से। और अगर हम आगे देखें तो सुरेंद्र गिल को मिले हैं 14 पॉइंट्स, और यहीं पे मैं कहूँगा कि सुरेंद्र गिल इस समय प्रदीप नरवाल से भी बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। जो हम बात करते थे कि सुरेंद्र गिल तो काफ़ी नीचे हैं, प्रदीप नरवाल का स्टेचर बहुत बड़ा है, लेकिन सुरेंद्र गिल इस समय प्रदीप नरवाल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इनके जो कप्तान हैं नितेश कुमार, उनको तो सिर्फ 0 ही पॉइंट्स मिले हैं, कप्तान जी को सिर्फ 0 पॉइंट्स मिले हैं, कुछ ही अच्छा प्रदर्शन नहीं है और पता नहीं किस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, जो टीम अभी तक सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुई है। और टीम का जो आप देख सकते हैं कोई भी फ्रेशनेस नहीं दिख रही है टीम में, बहुत ज़्यादा पस्त टीम दिखते हुए नजर आ रही है। इसके अगर आगे आप देखेंगे तो सुमित हैं, डिफेंडर हैं, इनको भी 0 पॉइंट्स ही मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिल थलाईवास की, तो तमिल थलाईवास में आप देख सकते हैं मंजीत जो कि रेडर भी हैं और डिफेंड भी अच्छा करते हैं, दोनों चीज़ें कर लेते हैं, हालांकि ये है रेडर ही, इनको मिले हैं 7 पॉइंट्स। अगर आप कैप्टन सुजीत की बात करें तो कैप्टन सुरजीत को मिले हैं 3 पॉइंट्स, मोहित डिफेंडर को यहाँ पे 1 पॉइंट्स मिले हैं, और के को मिले हैं 4 पॉइंट्स, और भवानी को मिले हैं 4 पॉइंट्स, सागर को 5 पॉइंट्स मिले हैं, और साहिल सिंह को यहाँ पे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट। लेकिन फिर भी तमिल थलाईवास ने जिस तरीके से कल खेला है, जो आप उनके स्टैट्स देखिए, जो फर्स्ट हाफ के स्टैट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर या फिर जो सेकंड हाफ के स्टैट्स आप देख सकते हैं, तो उसमें दोनों में आपको जो रेड्स हैं वो ज़्यादा आपको तमिल थलाईवास की दिखेंगी, और यही कारण है जो कल का मुकाबला उन्होंने बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्रिकेट के बारे में, साथ ही पीकेएल के और मुकाबलों के बारे में। देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स अड्डा।